ये जो वैक्सीन का कैंप आपने देखा कल पिछले कल वार्ड नंबर 8 और 12 नंबर 10 में लगा था, और ये वार्ड बाई वार्ड जो लगा रहे हैं इसमें जो कोई वार्ड की बंदिश नहीं है भाई, बाहर के लोग ही ये इंजेक्शन लगवाएं, कोई भी लगवा सकता है शहर का। लेकिन एरिया वाइज हर वार्ड में, जो डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई है, हर वार्ड में सेंटर ये खुलेगा और वैक्सीन लोगों को लगेगी। जिसका लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, ये डरते थे, ये काउंसलर सबको समझा रहे हैं और इससे कुछ नहीं होता है, बीमारी दूर होगी, कोरोना से बचेंगे, अपना परिवार भी बचेगा। तो इसलिए आज वहाँ वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अशोक शर्मा जी और 6 के और सब मिलके हमने यहाँ ये पूरा एरिया यहाँ जो वैक्सीन लग रही है, तो मैं लोगों को अपील करता हूँ घरों से बाहर निकलें, इसका फ़ायदा लें। मुफ्त में सरकार लगाए, बाद में कीमत से लगवानी पड़ेगी, लेकिन मुफ्त में सरकार ये इंजेक्शन लगवा रही है। तो सब ने मिल के आपने इंजेक्शन भी लगवाने हैं और लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर ना निकलने दें। हालात बड़े ख़राब हैं कठुआ के, इस स्टेट के, देश के 4 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए हैं जिनको कोरोना की बीमारी से लिपट गए हैं, जो लोग जिनके टेस्ट हो रहे हैं वो बता रहे हैं 4 लाख 4.5 लाख, जिनके नहीं हो रहे मुझे लगता है 8 लाख 10 लाख होगा। लेकिन लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, दुकानदारों को भी अपील करते हैं, जो SOP सरकार ने निकाली है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने निकाली है, उसके ऊपर अमल करें और आप भी बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ। कारोबार हम करते रहेंगे, वो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद। आज ये कोरोना वायरस के इंजेक्शन जो आज वार्ड नंबर 5 और 6 में लग रहे हैं, 2 दिन पहले म्यूनसिपल काउंसिल के अध्यक्ष और सारे काउंसलर, हम डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास गए थे, हमने रिक्वेस्ट करी थी उनको कि वार्ड वाइज ये वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं, बसें भी बंद हैं, मेटाडोर भी बंद हैं, कोई हॉस्पिटल पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता। अगर वार्ड वाइज ये वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को बचा सकते हैं। आज ये सारी टीम हमारे दोनों वार्डों में आए हैं और सुबह से ये सिलसिला वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि ये जो महामारी है इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे,
लोग अपने मोहल्ले में इंतजाम नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, हम बच नहीं सकते। सबसे पहले हमें बचना है, अपने बाल बच्चों को बचाना है, अपने गली मोहल्लों को बचाना हो। कारोबार होते रहेंगे, गलियां नालियां बनती रहेंगी, खंभे लगते रहेंगे, बाकी सारे काम चलते रहेंगे अगर जिंदा रहेंगे तो। मैं अपने बाढ़ के लोगों को, मैंने एक प्लानिंग बनाई है, जैसे मेरा वार्ड नंबर 5 है, ये शहीदी चौक से शुरू होता है, जैसे पहली लेन है लेन नंबर 1 प्रोफेसर राम मूर्ति शर्मा जी का मोहल्ला। मैं प्रोफेसर राम मूर्ति जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और उधर जग्गू है और 2-4 बंदे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपनी गली की जिम्मेवारी खुद लें, लोगों को समझाएं कि घरों से बाहर मत निकलें, घर के अंदर रहें, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। उसके नीचे हमारा आ जाता है मोहल्ला XML ध्यानचंद जी का, वहाँ ध्यानचंद जी XML बैठे हैं, बिशन दास जी हैं उधर सेवा राम जी हैं, उधर पीखो राम जी हैं, उधर एक लड़की है बड़ी एक्टिव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के माध्यम से श्री ध्यानचंद XML जी से कि इनकी एक टीम बनाएं, जो लोग भी उधर मोहल्ले में वो थड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, कृपया अपने घरों में रहें, टीवी देखें। ऐसे ही नीचे मोहल्ला आ जाएगा, जे कैप्टन भूपिंदर सिंह हैं, जे पतंजलि वाली गली कैप्टन बाहू सिंह जी ने कहते हैं, ये अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी ले, मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी है। जट्टू बार वाला मोहल्ला है, ये लाडू जी हैं अपने इधर उस मोहल्ले में बैठे हैं। नीचे आ जाओ, ये बिल्लू फोटोग्राफर वाली गली है, ये बिल्लू फोटोग्राफर जी अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी लें। उसके बाद सुधीर महाजन जी हैं, दिवाकर जी हैं, कपिल जी हैं, अंबी जी हैं जो लंगर शंगर लगाते हैं, उनकी भी एक टीम है, ये अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी लें। उधर नीचे चले जाएं, डामिर स्टूडियो जी अपनी गली की जिम्मेवारी लें। ओल्ड शक्ति मॉडर्न मोहल्ला है, वहाँ नरेश जी हैं, वो रवि जी हैं, वो चंद्रमोहन जी हैं, वो अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी लें। ये इधर मड़ीनी वाली गली है, जहाँ मड़ीनियों का परिवार है, बिल्ला जी हैं, वो अपने शीश कोच हैं। ये ऐसे जब हम लोग मोहल्ले वाले अपनी गली वाले इसका लोगों को नहीं समझाएंगे, और ख़ासकर मैं यूथ को, नौजवानों को ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे आज इन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारे मंडी शेर सिंह के नौजवान है, ये इन्होंने सारा सुबह से 6 बजे से लग गए सारा इंतजाम किया है। ये हमने अपने आप को बचाना है, हमारा फर्ज है कि हम जैसे ये हमारे इधर है, मेरे मोहल्ले के ऊपर है इधर मंदिर के पास, ताश खेलते रहते हैं बच्चे, सारे ताश खेलते हैं उधर। मैं उनको भी मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहे ताश बंद करें, अपने आप को बचाएं और अपने मोहल्ले को बचाएं। आखिर मैं यही कहता हूं कि ऐसे कैंप अगला कैंप जो है, जो 18 साल के जो ऊपर हैं बच्चे, उनके लिए मैं प्रधान नरेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ये वैक्सीन आती है, क्योंकि मोहल्ले में बाढ़ में सारे लोग कवर हो जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता। आज मैं जो लोग आए हैं इधर वैक्सीनेशन करने, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग जिन लोगों ने हमारे इन दोनों वार्डों में आज अपनी टीम भेजी है, और आइंदा भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये आएंगे। और मैं ये हमारी म्यूनसिपल काउंसिल पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, लोगों के साथ है, लोगों के भले के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, जब भी ये चाहें हम।